जय श्री कृष्णा। दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भागवत गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अध्याय 5। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको दो रास्ते बताए जाए तो आप कहते हैं, भाई जो रास्ता आसान है वो बताइए जहाँ से मैं जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुँच सकूँ। सीखने वाले को अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले से कहे कि मुझे सही सिखाए या सही प्रश्न का सही उत्तर बताए। हम भी अर्जुन की तरह हमेशा ऐसी ही हालत में होते हैं दोस्तों, जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री भगवान बोले, कर्मसन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मसन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, पहाड़ और खाइयां आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है, और ये रास्ता है कर्म योग का। कर्मयोग वह रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती दोस्तों, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह की दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते, बस फंसते ही चले जाते। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सके, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्मयोगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। उपर्युक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्मयोग में रहकर भगवान को पाना चाहते, वो भी गलत नहीं। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। ज्ञानयोगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। इसका तात्पर्य ये है कि कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो, वह पाखंड है। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी परिवार को या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है, अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के पचड़ों से ऊपर उठके और सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार, जैसे कि मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, इसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपनी इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके, कर्म को करके उसे भगवान को सौंप के अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी ये कर्मयोग तो आपको करना ही होगा, तो फिर सीधे कर्मयोग ही क्यों ना किया जाए। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अर्थात यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर ले, वो रहेगा तो पानी। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को हमने समझना, और वो कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और इसी को जानने का ही ये सारा खेल, और यही बात कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं।
तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो इस दुनिया में रहे अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त ना इनके चक्करों में ना फंसे, जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते। दोस्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस ना जाएं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकौम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद भिन्न परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुहक के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रखता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य भी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रथ हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भरिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षप्राय मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम गीता का छठा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।